तो आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल प्रसाद, जिसे अष्टमी और नवमी पर कन्या भोज पर बनाया जाता है। तो हम बनाएंगे काला चना, हलवा और पूरी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप चने को रात में भिगोकर रख लिया था और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर कुकर ले लिया है। हम चने को कुकर में डाल देंगे। इसे मैंने अच्छे से ऑलरेडी वॉश कर लिया है और अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और अब हम इसे 5 विसल आने तक चने को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और 5 विसल हो चुके हैं, हम चने को चेक कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं चना जो है बहुत अच्छे से पक चुका है और अब हम इसे रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिए जिसे बारीक कट कर लिया है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया। और अब हम इसे 30-40 सेकेंड्स के लिए हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है, तो हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी ले लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर मैंने यहाँ पे ले लिया है और 2/3 टेबल स्पून गरम मसाला। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जिससे कि मसाला जो है वो जले ना। और अब हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम इसमें बॉईल किए हुए चने को भी डाल देंगे और इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं इसमें 1/4 कप पानी और डाल रही हूँ और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे पानी को सूखने तक हम इसे और पकने देंगे, जिससे जो मसाले हैं चने के अंदर में अच्छे से चला जाए। और अब आप देख सकते हैं पानी भी बहुत अच्छे से सूख चुका है और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। और अब धनिया भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा चने का प्रसाद बिल्कुल तैयार है। और अब हम पूरी का डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और इसमें हम 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और 2/3 टेबल स्पून नमक। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पूरी के लिए डो तैयार कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारा डो जो है बिल्कुल रेडी है। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा आटा जो है वो सूखे ना। और अब ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम डो को 20 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और तब तक हम सूजी का हलवा बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन पे 1 टेबल स्पून घी ले लिया है और अब हम इसे घी को मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए जिसमें 7 काजू, 7 बादाम और 15-20 किशमिश ले लिया है। हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे काजू और बादाम को। और अब मैं एक बड़ा चम्मच और घी डाल रही हूँ और अब हम इसमें 1 कप सूजी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा सूजी का मेजरमेंट और घी का मेजरमेंट दोनों बराबर होना चाहिए। और अब हम इसे लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हम इसे रोस्ट कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सूजी का कलर भी चेंज हो गया, ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। और अब हम इसमें 4 कप पानी डाल देंगे, मतलब जिसमें मैंने सूजी का मेजरमेंट किया था उसमें सेम कप में मैंने यहाँ पे 4 कप पानी ले लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे 2 इलायची को पाउडर करके ले लिया, हम इसे डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सूजी जो है अच्छे से थिक हो चुका है और अब हम इसमें 1 कप शुगर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम कप में जिसमें मैंने सूजी लिया था उसी में मैंने शुगर ले लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे और पका लेंगे।
और अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है। हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देंगे ऊपर से और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जिसे मैंने कट कर लिया है और अब हम इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। और अब ये मिक्स हो चुका है और हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है और अब हम अपना पूरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट्स भी हो चुके हैं। और अब मैंने यहाँ पे पूरी के लिए बॉल्स रेडी कर लिए हैं और अब हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। हम इसे ऑयल लगा कर बेलेंगे जिससे हमारा जो आटे की वजह से हमारा ऑयल जो है ख़राब नहीं होगा। तो हम इस तरीके से पूरी को बेल लेंगे और हमारा पूरी बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे तल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया, तो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसे इस तरीके से पूरी को तल लेंगे। और अब नवरात्रि स्पेशल प्रसाद चना हलवा और पूरी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।